गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आवाज वगैरह आ रही है? चलिए, अभी सॉइल साइंस की अपने टेस्ट या क्विज सीरीज चल रही थी। एक दो लेक्चर में अपने सॉइल कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने सॉइल का ही अगला पार्ट प्लांट न्यूट्रेंट पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब में डाल दीजिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, हेलो। करें आज का सेशन स्टार्ट। लव फ्रॉम BHU, विशाल सिंह। फटाफट आ जाइए भी, ताकि अपने जल्दी जल्दी सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग भाई विनीत, पर्वत, बिल्कुल गुड इवनिंग भाई। चलिए, कुलदीप हिनोनिया, गुड इवनिंग। बिल्कुल इंग्लिश में भी बता देंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। राम राम भाई मंजू, दिवाकर गुड इवनिंग, पर्वत गुड इवनिंग, मन्नत कौर नमस्ते भी, यादव जी गाजीपुर गुड इवनिंग भाई, बिरजेंद्र गुड इवनिंग, मंजीत गुड इवनिंग, दीपक गुड इवनिंग। UPSC और TGT दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, कौन से कोर्स में एडमिशन लूँ? PGT ले लीजिए, सबसे बढ़िया है, PGT में इनरोल हो जाइए। गुड इवनिंग भाई विशाल, कोचिंग की टीचिंग फैकल्टी बहुत अच्छी है, थैंक यू भाई, सब आप लोगों की दुआ है। चलिए करें स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता जाऊंगा। बंजर भूमि संवर्धन, जस्ट एक मिनट स्टूडेंट। सोयल के अपने पीछे 6 या 7 सेशन हो गए होंगे, और सभी सेशन जो है वो एक दूसरे से रिलेवेंट है। आगे वाले सेशन का तभी आप लोगों को बेनिफिट प्रॉपर होगा जब आप पीछे वाले सेशन से जुड़ के चलेंगे, क्योंकि हम यहां सीधा क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं बताते हैं, उनका अपने पोस्टमार्टम भी करते हैं ना, पोस्टमार्टम करते हैं। तो अगली जो चीजें आती है फिर उनके बारे में हम डिस्कस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पीछे डिस्कस हो चुका होता है। पहला क्वेश्चन है अपना, बंजर भूमि संवर्धन संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन, नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन। इसका ऑब्जेक्ट था जो वेस्ट लैंड है उसको डेवलप करना, जो सॉयल है उसका कंजर्वेशन करना, और वहां पर प्लांटिंग करना, वहां पे यानी वनीकरण करना इसका उद्देश्य था। की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताइए कब स्थापना हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। वकील आंसर ठीक है, राहुल का भी ठीक है, आर देश गंगानगर भी ठीक है भाई, बिल्कुल। जो नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, बी आंसर राइट है ना।
राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ विशेष एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा रुकिए एक बार, एक मिनट भी थोड़ा सा रुकिए। ये क्वेश्चन पहले अपने डिस्कस हो चुके हैं सब। चलिए, पहले क्वेश्चन का राइट था बी ऑप्शन 1985। अगला क्वेश्चन है अपना, पीएच शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? पीएच शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, ये पूछा गया है आप लोगों से। मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। और जस्ट एक मिनट स्टूडेंट, जस्ट स्टूडेंट एक मिनट, थोड़ा सा शायद कोई इश्यू है इसमें। चलिए, कल का सेशन सभी ने देखा था क्या? अपडेट करें जी, मुझे अपडेट करना नहीं आता और टेक्निकल हमारे आज है नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा जैसे तैसे करके, है ना, उसमें अपने कमी नहीं आने देंगे। ये गड़बड़ करेगा तो अपने पास और रास्ते हो जाएंगे। चलिए, अब सब कुछ ठीक है। अब सबसे पहला, दूसरा क्वेश्चन है अपना, पीएच शब्द कौन सी भाषा का है? सबसे पहले तो बताओ पीएच वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, पीएच शब्द दिया था, वो दिया था एसपीएल सोरेनसेन ने। किसने दिया था? एसपीएल सोरेनसेन ने पीएच वर्ड दिया था। साइंटिस्ट का नाम क्या है? एसपीएल सोरेनसेन। और इन्होंने पीएच का अर्थ क्या बताया था? पीएच शब्द की फुल फॉर्म बताओ अभी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन आप यूज करते हैं शब्द, लेकिन जब सोरेनसेन ने यह शब्द दिया था तब कहा था पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों की समता। हाइड्रोजन आयनों की समता को अपने क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। और ये कौन सी भाषा का शब्द है?
फ्रांसिस भाषा का शब्द है। पहली बात तो पीएच शब्द किसने दिया था, एसपीएल सोरेनसेन ने दिया था। और पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन अणुओं की क्षमता को अपने क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी पीएच बोलेंगे। हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन वर्ड यूज करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वास्तविक मीन दिया था या वास्तविक जो शब्द दिया था उसका मतलब क्या था, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन था। ठीक है, देखो हाइड्रोजन आयनों की शक्ति को ही पीएच कहा जाता है, तो आप पावर यूज कर लो चाहे पोटेंशियल यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसपीएल सोरेनसेन ने क्या यूज किया था, पोटेंशियल यूज किया था। पीएच की जो डेफिनेशन है वो भी एसपीएल सोरेनसेन ने दी थी। आपसे पूछ ले जो पीएच है उसकी डेफिनेशन किसने दी थी, सोरेनसेन ने दी थी। अब सोरेनसेन ने पीएच की डेफिनेशन क्या दी थी, इन्होंने कहा था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणांक मान को पीएच कहा जाता है। हाइड्रोजन आयनों के ऋणात्मक लघु गुणांक के मान को पीएच कहा जाता है, ये डेफिनेशन भी एसपीएल सोरेनसेन ने दी थी। और जो पीएच का स्केल होता है 0 से 14 का, पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है। ठीक है, पीएच स्केल में कितनी पावर होती है, 0 से 14 तक, तो टोटल कितने पीएच हुए बताओ, अभी टोटल पीएच कितने हुए, टोटल पीएच कितने हुए, 0 से 14 के बीच में नंबर ऑफ पीएच कितने आते हैं, लाखन सिंह अगर ब्लॉक होना है तो फिर बीजेपी कांग्रेस की बातें कर लो, और पढ़ना है तो फिर इनको छोड़ दो। पीएच में नंबर कितने हैं, टोटल कितने पीएच होते हैं, 0 से 14 के बीच में टोटल पीएच होते हैं 15, जिसमें से 7 जो है वो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 है वो क्या है, उदासीन होता है। 7 से लेकर 0 तक बीच में कितने पॉइंट आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, वो 7 जो पीएच है वो अम्लीय है। 7 जो नंबर है यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ये सब क्या है, अम्लीय है। 7 से 14 तक जाओगे तो स्थिति कैसी होती है, क्षारीय होती है, लवणीय क्षारीय होती है, यानी बेसिक होती है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहां भी कितने मान है, 7, यहां भी कितने मान है, 14, और एक खुद 7 है, ये क्या होता है, उदासीन। यानी 7 से कम पीएच है वो कैसा, अम्लीय, और 7 से ज्यादा पीएच होता है वो कैसा होता है, लवणीय क्षारीय होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। ये जो स्केल दिया था ये भी किसने दिया था, एसपीएल सोरेनसेन। तो ध्यान रखना पीएच जो शब्द है वो भी एसपीएल सोरेनसेन ने, पीएच डेफिनेशन है वो भी एसपीएल सोरेनसेन ने, और पीएच स्केल है वो भी किसने दिया था, एसपीएल सोरेनसेन ने। और पीएच का मींस होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और ये शब्द कौन सी भाषा का था, फ्रांसिस भाषा का था। और पीएच की डेफिनेशन क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणांक मान को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। अब एक चीज समझने वाली है यहां पे आपके, ये समझने वाली है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ते हैं वैसे वैसे पीएच घटेगा, हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो पीएच क्या होगा, घटेगा। कल को आपसे पूछ ले पीएच और हाइड्रोजन के बीच में कैसा रिलेशन होता है, कैसा संबंध होता है, तो रिवर्स रिलेशन होता है, विद अनुकर्मापाती होता है, यानी हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, पीएच घटेगा, एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद अनुकर्मापाती संबंध या रिवर्स रिलेशन कहते हैं। डेफिनेशन में क्या बोला गया था, हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक लघु गुणांक मान, यानी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन बोली गई है। नेगेटिव लॉगरिथम का मतलब क्या है, प्रत्येक दस गुना हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे घटेंगे तो पीएच है एक बढ़ेगा घटेगा। मान लो कि हाइड्रोजन आयन बढ़े 10 गुना तो एक पीएच घट जाएगा, हाइड्रोजन मान लो कि 10 गुना घटा तो समझ लो पीएच कितना बढ़ जाएगा, एक। लॉग का मतलब 10 से मल्टीप्लिकेशन, लोग का मतलब क्या होता है, 10 से मल्टीप्लिकेशन, यानी 10 गुना हाइड्रोजन आयन बढ़ने से घटने से एक पीएच घटता बढ़ता है, इसलिए लोग शब्द यूज किया गया है। और संबंध कैसा है, ऋणात्मक, यानी हाइड्रोजन आयन अब जो है उससे अगर 10 गुना बढ़े तो पीएच एक घट जाएगा, हाइड्रोजन आयन अब जितने हैं उनसे 10 गुना कम हो गए तो पीएच क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। समझ गए, ये रिलेशन कहलाता है नेगेटिव लॉगरिथम कहलाता है, यानी कैसा संबंध है, रिवर्स रिलेशन है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं जिससे आपके शॉर्ट में क्लियर हो जाएगा,
पीएच हमने क्या बोला, 7 है वो न्यूट्रल है, 0 है वो अम्लीय है, और 14 है वो क्या है, सबसे ज्यादा सारी है। सबसे ज्यादा अम्लीय पॉइंट कौन सा होगा, 0, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, 14, और 7 होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे जैसे पीएच 7 से कम होता जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे पीएच 7 से कम होता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन हाइड्रोक्सिल जो आयन होते हैं जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, उनकी संख्या घटेगी। पीएच घटा तो हाइड्रोक्सिल भी घटेंगे, ओएच भी घटेगा, और पीएच घटेगा तो हाइड्रोजन क्या होंगे, बढ़ेंगे। ऐसे ही जब पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होंगे, घटेंगे, लेकिन जब पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोक्सिल क्या होगा, बढ़ेगा। हाइड्रोक्सिल क्या होगा, बढ़ेगा। तो हाइड्रोक्सिल आयनों के साथ समान अनुपाती संबंध है, यानी पॉजिटिव रिलेशन है। पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोक्सिल बढ़ेंगे, पीएच घटेगा तो हाइड्रोक्सिल भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन पीएच घटेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेंगे, और पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन घटेंगे। इसके साथ वित्त अनुकर्मापाती या फिर कैसा संबंध है, रिवर्स रिलेशन है। अब डेफिनेशन पे जाओ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पीछे पीजी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पॉजिटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, पॉजिटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, यानी जो हाइड्रोक्सिल आयन है उनका धनात्मक लघु गुणांक मान क्या कहलाता है, वो भी पीएच ही कहलाता है, वो भी पीएच। हालांकि पीएच आप हाइड्रोजन आयन के अनुसार जज करते हो, किसके अनुसार जज करते हो, हाइड्रोजन, लेकिन अगर मैं बोल दूं हाइड्रोक्सिल आयनों का धनात्मक लघु गुणांक मान पीएच कहला सकता है या नहीं कहला सकता, जी बिल्कुल कहला सकता है, लेकिन जो डेफिनेशन है वो हाइड्रोजन के हिसाब से आती है हमेशा, और आप कैलकुलेट भी हमेशा क्या करते हो, हाइड्रोजन को ही कैलकुलेट करते हो। 7 एक ऐसा पीएच मान है जहां पर हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन बिल्कुल बराबर होते हैं और ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, बिल्कुल बराबर, सिर्फ 7 पीएच मान पे। आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन है ये बराबर कहां मिलेंगे, तो आप बोलोगे 7 पे, तभी तो क्या होता है कि ये उदासीन होता है। 7 से चाहे आप कम में चले जाओ, चाहे 7 से ज्यादा में चले जाओ, जितना ज्यादा दूर जाओगे उतना ही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों में अंतर बढ़ेगा, उतना ही अंतर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और वो मिट्टी समस्याग्रस्त होती है। 6.5 से लेकर 7.5 वाली जो मिट्टी होती है उस पर खेती सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि सभी पौधे यहां पर बढ़िया ग्रो करते हैं और पौधे सभी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि यहां किसी भी पोषक तत्व की विषाक्तता नहीं देखने को मिलती है, किसी भी पोषक तत्वों का दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो कल्टीवेशन के लिए सबसे सुटेबल पीएच कितना होता है, 6.5 से 7.5 होता है, और 7 होता है वो उदासीन, और उदासीन होने का कारण है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। क्लियर है स्टूडेंट यहां पे, चलिए। तो पीएच शब्द कौन सी भाषा का था, फ्रांसिस भाषा का था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल द्वारा मृदासरण में सबसे अधिक नुकसान होता है, वॉटर इरोजन की कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा आपको नुकसान देखने को मिलता है, फटाफट बताइए भी, वॉटर इरोजन की कौन सी अवस्था है जिसमें आपको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, फटाफट बताइए भाई। होटी राम राम गुरुजी भाई, राम राम भाई, चलिए बताइए कि जो वॉटर इरोजन है उसकी कौन सी जो अवस्था है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। देखिए ये चार ऑप्शन आपके सामने है, बोछार सरण यानी स्प्लैश इरोजन, परत सरण यानी सीट इरोजन, रिले सरण यानी रील इरोजन, स्लिप सरण यानी स्लिप इरोजन, या जिसको हम बोल देते हैं गली इरोजन बोल देते हैं। अब देखिए यहां पे गौर करिए, मेन चार जो अवस्थाएं हैं, सबसे पहले पानी की बूंद जब ऊपर से गिरती है तो इतनी ऊपर से बूंद आती है उसमें ताकत तो होती है। बचपन में तुम बारिश में नहाए तो होंगे, कई तो रोड है अब भी गलियों में नहाते होंगे बारिश में, है ना, तो कई बार अपने कपड़े नहीं पहने होते तो बारिश की बूंद की चोट लगती है या नहीं लगती है, तो वैसे ही जब क्या है, बूंद जब नीचे आएगी तो जमीन पर गिरेगी, उस पर चोट लगेगी, और आपने देखा होगा वहां से मिट्टी ऐसे उठती है जैसे मैंने डिजाइन बनाया है, वैसे मिट्टी उठती है या नहीं उठती आपने देखी होगी। तो बोछार सरण है वो मृदा संरचना को तोड़ देता है, और आपको अगर पूछ लिया जाए कि वॉटर इरोजन की सबसे पहली स्टेज ही कौन सी है, तो कौन सी है, बोछार सरण है, जिसको हम स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन सबसे पहली है।
मृदा आपस में जुड़ी हुई पड़ी थी, बारिश की बूंद गिरी और इसने क्या कर दिया, इसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब मिट्टी थोड़ी मुक्त हो गई, बारिश होती गई, अब पानी बहना स्टार्ट हो गया। जब पानी बहना स्टार्ट होगा तो इस पानी के साथ मिट्टी की जो परत यानी जो मिट्टी की संरचना टूटी है, जो मिट्टी समतंत्र हो चुकी है, वो पानी के साथ बहने लगेगी और मिट्टी की एक पतली पतली परत ऊपर से निकलती जाएगी, जिसको बोलते हैं परत सरण। यानी क्या बोलेंगे इसको, सीट इरोजन। ये सीट क्या है, पानी के साथ जा रही है, यानी ऊपर ऊपर की परत है वो पानी के साथ जा रही है, इसको आप क्या बोलते हो, सीट इरोजन। क्या बोलते हो भाई इसको, सीट इरोजन बोलते हो, परत सरण बोलते हो। परत सरण जो है ये वॉटर इरोजन की सेकंड स्टेज है, यानी जो बोछार सरण है, स्प्लेस इरोजन है, उसका एडवांस रूप कौन सा होगा, यानी अग्रिम रूप कौन सा होगा, सीट इरोजन यानी परत सरण होगा। उसके बाद क्या होता है कि पानी और बरस गया और आप सोचो कि मिट्टी में कहीं पे हल्के फुलके से ढलान से देखने को मिल रहे हैं। तो जहां ढलान होता है वहां पानी थोड़ा सा तेज मूव करता है, वहां पे क्या होगा, तेज मूव करेगा, ऐसे पतली पतली लाइनें सी, पतली पतली नालियां सी बन जाएगी। जो ये छोटी छोटी पतली पतली नालियां बनती है उनको रील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रील इरोजन, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, रील सरण बोल देंगे। और ये जल द्वारा सरण या वॉटर इरोजन की कौन सी स्टेज होती है, तीसरी। बस ये इतनी सी नालियां बनती है कि जब हम जुताई करते हैं तो ये खत्म हो जाती है, जब हम क्या है हल वल चलाएंगे तब ये खत्म हो जाएगी, बस इतनी सी बनेगी, ये रील इरोजन होता है। उसके बाद में क्या है, कहीं पे मान लो बालू मिट्टी है या जहां ज्यादा ढलान है वहां पानी बहुत तेजी से मूव करेगा, पानी क्या करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, तो ये छोटी छोटी जो रील बनी है अब ये क्या है, मोटी नाली का रूप ले लेगी और नाले का रूप ले लेगी, यानी बहुत मोटी हो जाएगी, इतनी मोटी हो जाएगी कि जब आप जुताई करोगे तो ये खत्म नहीं होने वाली है। इसको बोलते हैं गली इरोजन। क्या बोलते हैं इसको, गली इरोजन, या हिंदी में क्या बोल देते हैं, अवनालिका सरण। क्या बोल दोगे भाई इसको आप, अवनालिका सरण। मोटी मोटी नालियां बन जाएगी जो जुताई से तो खत्म नहीं होने वाली है, अगर आप इनको खत्म करना चाहते हो तो आपको इसमें मिट्टी विट्टी डालकर एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खत्म करना पड़ेगा। अब इसमें से जो सबसे दिखने में खतरनाक है वो कौन सी है, वो गली है। दिखने में सबसे खतरनाक कौन सी है, गली है, जिसको बताने में भी मुंह है वो खोखला हो जाए ना, और यो देखो रो नाली बन गई, ऐसे बोलते हो नहीं बोलते हो, तो वो सबसे खतरनाक है। दिखने में सबसे खतरनाक रूप कौन सा है, अब नालिका। दिखने में सबसे खतरनाक रूप कौन सा है, गली इरोजन। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सबसे ज्यादा नुकसान कौन से होता है। आप सोचो जब भी बारिश होती है तो पानी गंदा ही चलता है, यानी पानी है वो मिट्टी के मिक्स के साथ ही चलता है। पूरे भारत में जहां जहां बारिश होती है, हर बार बारिश होती है, कितनी मिट्टी इस तरह से बहकर चली जाती है। वो मिट्टी जो हमें दिख रही है भी जा रही है, लेकिन हमें इस एहसास नहीं हो रहा कि मिट्टी बहुत जा रही है, और उससे मिट्टी जाती भी बहुत है, तो वो कौन सा होगा, सेकंड स्टेज होगा, वो कौन सी होगी, सीट इरोजन होगी। क्या होगी, सीट इरोजन। परत सरण से हर साल मिट्टी बहुत ज्यादा इरोड होती है, बहुत ज्यादा सरणित होती है, बहुत ज्यादा अपचयित होती है। सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो परत सरण से, सीट इरोजन से होता है। आप देखो जब भी आपके बारिश हुई है तो अवनालिका किस किसने देखी है, बहुत ही कम लोगों ने अवनालिका देखी है, लेकिन सीट इरोजन तो हर जगह देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा नुकसान वाली अवस्था है वो सीट इरोजन है, और दिखने में जो सबसे खतरनाक, भयानक, आपका मुंह खोखला हो जाए वो कौन सी है, अवनालिका। अंतर समझ गए ना, दिखने में खतरनाक कौन सी है, गली इरोजन, लेकिन सबसे ज्यादा लॉस किससे होता है, सीट इरोजन से। इसीलिए इस सीट इरोजन को फार्मर की हत्या कहते हैं। फार्मर की हत्या किसे कहा जाता है, या फार्मर की जो सुसाइड है वो किसे कहा जाता है, वो सीट इरोजन, आत्महत्या किसे कहा जाता है, सीट इरोजन। ये वो है जो दिखती नहीं है लेकिन बहुत नुकसान कर जाती है। तो फार्मर की जो मौत है, यानी जो किसान है उसकी हत्या किसे कहा जाता है, सीट इरोजन को कहा जाता है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, अब तो गलती नहीं करोगे। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं वापस। क्वेश्चन क्या है,
मृदा जल सरण की सबसे अधिक नुकसान होने वाली अवस्था उत्तर पे तो आप पहुंच गए हो, कौन सा है? परत सरण है, सीट इरोजन है। लेकिन आपसे पूछ ले कि जल द्वारा सरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था, सबसे पहली है बौछार, उसके बाद उसकी एडवांस यानी दूसरी अवस्था कौन सी है? सीट इरोजन। तीसरी कौन सी है? रील इरोजन यानी रिले सरण। और चौथी कौन सी होती है? स्लिप इरोजन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन बोलते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसके अंदर। चलें आगे बढ़ें अपने, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ में आ गया सबसे प्रारंभिक अवस्था और सबसे एडवांस। आपसे पूछ ले जल सरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था, आप बोलेंगे स्प्लैश इरोजन, बौछार सरण। और आपसे पूछ ले कि सबसे एडवांस यानी सबसे जो खतरनाक है, सबसे लास्ट वाली है, वो कौन सी होगी? गली इरोजन होगी। इन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कम चुनना चाहने वाली फसल है, कम चुनना चाहने वाली फसल है। ए ऑप्शन है धान, बी ऑप्शन है चाय, सी ऑप्शन है आलू और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। लो लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप कौन सी है? पेडी, टी, पोटेटो एंड ऑल ऑफ दीज, कौन सी है? फटाफट उत्तर दीजिए भाई, बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम पे, बताइए इसमें, जल्दी बताइए। डी ये तो नहीं है, उपरोक्त सभी देख लेते हो तो उसका उत्तर ही उपरोक्त सभी मानते हो। कईयों ने तो वो लॉटरी वाला सिस्टम कर रखा है ना, अभी उपरोक्त सभी आएगा तो उत्तर उपरोक्त सभी होगा। एग्रीकल्चर मिशन साथ साथ में बता रहा हूं ना, लो लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप कौन सी है? पेडी, टी, आलू। देखो अम्लीय मृदाओं को, एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए आप कौन सा सुधारक काम में लेते हैं? चूना। क्या लेते हैं? लाइम। अम्लीय मृदाओं के सुधार के लिए कौन सा सुधारक काम में लेते हो? लाइम। इसका मतलब अम्लीय मृदाओं में चुनने की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ? अम्लीय मृदाओं में चुनने की कमी है ना, और जिसमें चुनने की कमी होती है उसको कैल्सीफेरस सोयल कहते हैं, कैल्सीफेरस सोयल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जो बोल रहा हूं उसको भी ध्यान दो, लिख लेना साथ में, कैल्सीफेरस सोयल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? कैल्सीफेरस सोयल बोलते हैं। अम्लीय मृदाओं में चुनने की कमी होती है और ऐसी मृदाओं को कैल्सीफेरस सोयल कहते हैं, ठीक है। और उसमें उगने वाली जो फसलें होती है उनको कैल्सीफ्यूज फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? कैल्सीफ्यूज क्रॉप। जो अम्लीय मृदाओं में उग जाती है यानी चुनने की कमी में उग जाती है, जो चुनने को पसंद नहीं करती है वही चुनने की कमी में उगेगी, यानी लाइम हेट क्रॉप है, उनको आप क्या बोल दोगे? कैल्सीफ्यूज क्रॉप बोल दोगे। क्या बोल दोगे उनको? कैल्सीफ्यूज क्रॉप बोल दोगे। धान भी अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील, चाय भी अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील और आलू भी अम्लीय मृदाओं के प्रति सहनशील है। और आपको ही पता है अम्लीय मृदाओं में चुनना नहीं होता है या कम होता है, तो ये तीनों ही लाइम रिक्वायरमेंट, लो लाइम रिक्वायरमेंट क्रॉप है, कम चुनना चाहने वाली फसल है। ये तीनों ही फसलें क्या है? कम चुनना चाहने वाली फसलें हैं। राइट आंसर जिन बच्चों ने डी दिया था बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहां से फटाफट आंसर देना है। हाईली एसिडिक सॉइल टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है? सबसे ज्यादा अम्लीय मृदाओं को सहन करने वाली फसल कौन सी है? हाईली एसिडिक सॉइल टॉलरेंट, अम्लीय मृदाओं को सबसे अधिक सहन करने वाली फसल कौन सी है? फटाफट बताइए भी। टी राइस, टी राइस, टी राइस, कोई और भी? सबसे ज्यादा अम्लीयता सहन करती है चाय, सबसे ज्यादा अम्लीयता सहन करती है चाय। चाय को आप लेस देन 4.5 पीएच पर भी लगा सकते हैं। चाय के बाद आता है पाइनएप्पल यानी अनानास, और उसके बाद किसका नंबर आता है? पेडी और पोटेटो का। उसके बाद पेडी और पोटेटो का नंबर आता है, अच्छे से इसको ध्यान में रख लेना। चाय बोले तो क्वीन ऑफ बेवरेज, पेय पदार्थों की रानी, तो बताओ पेय पदार्थों का राजा कौन है? किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप कौन है? फटाफट बताइए भी, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप। टी इज कैल्सीफ्यूज क्रॉप, बिल्कुल भाई हॉटी, टी इज कैल्सीफ्यूज क्रॉप है। मनीष मीणा, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप है कॉफी, किंग ऑफ बेवरेज क्रॉप है कॉफी। चलिए नेक्स्ट है, सारी मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा होती है। सोल्यूबल साल्ट प्रेजेंट इन एल्केलाइन सॉइल, एल्केलाइन सॉइल के अंदर, ठीक है भाई, बेवरेज
जो पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उनका राजा कॉफी है, रानी है चाय, और हमें रानी पसंद है, ठीक है, यानी चाय पसंद है। नेक्स्ट अपने बात करें कि जो सारी मृदाएं होती है, यानी जो एल्केलाइन सोइल होती है, उनके अंदर जो सोल्यूबल साल्ट है वो कितना होता है, फटाफट बताइए भी, सोल्यूबल साल्ट कितना होता है। मनीषा बीणा, सॉरी भाई, है ना, मैंने नाम ढंग से नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, बताइए भी, जो सारी मृदाएं होती है, एल्केलाइन सोइल होती है, उनमें घुलनशील लवण, देखो एक होती है लवणीय मृदाएं जिनको हम बोलते हैं सेलाइन, एक होती है सारीय जिनको आप बोलते हो एल्केलाइन। लवणीय मृदाएं और सारीय मृदाओं में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवण पाए जाते हैं, लवणीय मृदाओं में घुलनशील सोल्यूबल साल्ट पाए जाते हैं, और सारीय मृदाओं के अंदर विनिमयशील सोडियम पाया जाता है, एक्सचेंजेबल सोडियम पाया जाता है। कहने का मतलब वो पानी में घुलता नहीं है। गौर करिए, देखो मिट्टी में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मिट्टी में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मिट्टी में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और उसके अलावा पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सब साल्ट है, ये सारे के सारे क्या है, साल्ट है, और इन्हीं की वजह से पीएच 7 से ज्यादा होता है। मिट्टी में हाइड्रोजन आयन, मिट्टी में आयरन है ना, मिट्टी में एल्यूमिनियम, उसके अलावा थोड़ा बहुत जिंक और भी बहुत होते हैं, लेकिन देखो इनकी वजह से मिट्टी में होती है अम्लता। अगर ये बराबर है तो मिट्टी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। अगर इनकी मात्रा ज्यादा है तो मिट्टी का पीएच कितने से ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा, समझ रहे हैं आप। अब देखो मिट्टी के अंदर अगर मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट को छोड़ के, सोडियम ही मान लो पूरे का पूरा, सोडियम कार्बोनेट को छोड़ के ये सारे के सारे साल्ट घुलनशील होते हैं, ये सारे के सारे साल्ट क्या है, घुलनशील है, ये सारे के सारे साल्ट है वो घुलनशील होते हैं। सोडियम कार्बोनेट घुलनशील नहीं होता है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट ज्यादा होगा वो सारीय होगी, बाकी साल्ट अगर किसी में ज्यादा होते हैं तो वो लवणीय होगी। जिस मिट्टी में घुलनशील लवण ज्यादा वो लवणीय है, जिसमें विनिमयशील एक्सचेंजेबल साल्ट ज्यादा वो कौन सी होगी, सारीय, और एक्सचेंजेबल साल्ट कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट। तो हम बोलते हैं जिसके अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा होगा वो कौन सी मिट्टी होगी, सारीय। अब हो सकता है बहुत सारे ये नहीं समझे होंगे कि एक्सचेंजेबल या विनिमयशील क्या होता है, मिट्टी के कण पर हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, मिट्टी के कण पे ऋणात्मक चार्ज होता है, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा धनात्मक को, किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, धनात्मक को। मिट्टी की इस क्षमता को धनायन विनिमय क्षमता, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोलते हैं। अगर इस मिट्टी पे आ गया सोडियम कार्बोनेट, क्या आ गया भाई, सोडियम कार्बोनेट आ गया, तो ये अब पानी के साथ नहीं घुलने वाला। अगर इसको हटाना है यहां से तो ये जिद्दी आदमी है, इसको लालच देना पड़ेगा, और किस चीज का लालच देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदले में देना पड़ेगा, तो हम इसको बदले में दे देते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या दे देते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो अब क्या होगा, सोडियम की जगह आ जाएगा कैल्शियम, सोडियम की जगह यहां पर क्या आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, सोडियम की जगह यहां आ जाएगा कैल्शियम, और कैल्शियम की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, सोडियम, और सोडियम सल्फेट पानी में घुलनशील है, पानी में घोलकर इसको नीचे ले जाएंगे, और यहां पे ये पानी के साथ नहीं घुला था, एक्सचेंज हुआ है, इसलिए हम इसको विनिमयशील साल्ट बोलते हैं। ये हमने कैल्शियम सल्फेट लिखा, ये क्या है, जिप्सम है, ये क्या है आपका, जिप्सम। सारीय मृदाओं के लिए सुधारक कौन सा काम में लोगे, जिप्सम। सारीय मृदाओं के लिए सुधारक क्या काम में लेते हो, जिप्सम लेते हो, और अम्लीय मृदाओं के लिए सुधारक क्या काम में लेते हो, चूना काम में लेते हो। आई ना कहानी समझ में, तो सारीय मृदाओं में तो विनिमयशील सोडियम ज्यादा होता है, और लवणीय मृदाओं में क्या ज्यादा होता है, लवणीय मृदाओं के अंदर ज्यादा होता है घुलनशील लवण। लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवण की मात्रा 0.15% से ज्यादा होती है लवणीय मृदाओं में, और जो सारीय मृदाएं होती है उनमें सोल्यूबल जो साल्ट है यानी घुलनशील लवण है वो कितने से कम होते हैं, 0.15 से कम होते हैं। अब उत्तर आप दे दो, तो इस आधार पे उत्तर कौन सा सही हुआ, ए ऑप्शन। जिस स्टूडेंट ने ए आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है, जिस स्टूडेंट ने ए आंसर दिया था वो बिल्कुल सही है, समझ में आ गया।
ठीक है भी, क्लियर है यहां पे? चलिए नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। मैंने एक साथ आपको कई सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, इसका राइट आंसर है ए। ये जो मात्रा होती है ये लवणीय मृदाओं में मिलेगी, किसमें मिलेगी? लवणीय मात्राओं में। चलो आप एक मुझे बता दो कि जो लवणीय सारीय मृदाएं होती है तो लवणीय मृदाओं के अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है? और सारीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है? फटाफट बताओ भी, लवणीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है और सारीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज कितना होता है? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज किसमें होगा? सारीय मृदाओं में होगा, लवणीय मृदाओं में तो क्या होता है? कम। तो लवणीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15% से कम होता है और सारीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज 15 से ज्यादा होता है। 15% से क्या होगा? ज्यादा देखने को मिलेगा। लवणीय में 15 से कम, सारीय मृदाओं में 15 से ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय व सारीय मृदाओं में बिजाई कितने प्रतिशत बीज अधिक रखते हैं? यानी लवणीय सारीय मृदाओं में जब आप सोविंग करोगे तो कितना परसेंट बीज ज्यादा रखोगे? बीज ज्यादा क्यों रखते हैं? एक सामान्य मिट्टी में बीज डालते हो तो अंकुरण पूरा आता है, एक समस्याग्रस्त मृदा में जब बीज डालते हो तो अंकुरण प्रतिशत कम आएगा। समस्याग्रस्त मृदा कौन सी है? 6.5 से 7.5 वाली मृदा तो है, बिल्कुल सही। अगर इससे कम है तो वो अम्लीय है और इससे ज्यादा है तो वो सारीय है। ये दोनों ही कंडीशन समस्याग्रस्त है। उसके अलावा वाटर लॉगिंग, जल भराव होता है, वो भी समस्याग्रस्त होता है। तो समस्याग्रस्त मृदाओं में बीज दर कितनी ज्यादा रखते हैं? फटाफट बताइए भी, समस्याग्रस्त मृदाओं में बीज दर कितनी ज्यादा रखेंगे? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, समस्याग्रस्त मृदाओं में बीज रखते हैं 10 से 15% ज्यादा। कितना रखते हैं? 10 से 15% ज्यादा। हर फसल में यही बात लागू होती है, लेकिन वीट यानी गेहूं के अंदर और उसके अलावा जौ के अंदर, गेहूं और जौ के अंदर जो सीड रेट है समस्याग्रस्त मृदाओं में कितनी ज्यादा रखी जाती है? 25% ज्यादा रखी जाती है। गेहूं और जौ में कितनी ज्यादा रखी जाती है? 25%। बाकी सभी फसलों में 10 से 15। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। एक काम की चीज और सुन लो, आपके बहुत काम आएगी। अगर आप लेट सोविंग करते हैं, मतलब बहुत देरी से बुआई करते हैं, तो अंकुरण प्रतिशत कम आएगा, 10 से 15% बीज ज्यादा रखिए। सूखे की स्थिति में, एरिड रीजन में यानी शुष्क जलवायु में और अर्ध शुष्क जलवायु में अगर आप बीज लगाते हैं तो आप क्या करेंगे? 10 से 15% बीज दर ज्यादा रखेंगे। समस्याग्रस्त मृदा है और उसमें आप बीज डालते हैं तो 10 से 15% सीड ज्यादा रखेंगे, लेकिन इन सभी केस में गेहूं और जौ में 25% ज्यादा रखेंगे। गेहूं और जौ में कितनी ज्यादा रखेंगे? 25% है वो सीड रेट आपको ज्यादा रखनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न मृदा सुधारकों का जिप्सम तुल्यांक भार के लिए गलत कथन है। जिप्सम तुल्यांक भार के लिए गलत कथन कौन सा है भाई? इसमें बताइए फटाफट। देखिए, सबसे पहले बात आती है जिप्सम तुल्यांक क्या होता है। सारीय मृदाओं को सुधारने के लिए आप क्या काम में लेते हैं? जिप्सम काम में लेते हैं। क्या काम में लोगे? जिप्सम काम में लोगे, जिप्सम काम में लेते हैं। सारीय मृदाओं को सुधारने के लिए आप मेनली क्या काम में लेते हैं? जिप्सम। अगर मान लो किसी मृदा को सुधारने के लिए 100 किलो जिप्सम की जरूरत है, कितनी जरूरत है? 100 किलो, तो उसकी तुलना में अगर कोई और सारीय मृदा का सुधारक है, जैसे सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आयरन पायराइटिज है, आयरन सल्फेट है, तो उनकी कितनी जरूरत पड़ेगी 100 किलो की तुलना से? ऐसे ही अगर किसी मर्दा को सुधारने के लिए जिप्सम की 1 किलो की जरूरत है तो उसकी तुलना में दूसरे सुधारक की कितनी जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम तुल्यांक मान बोलते हैं। सबसे पहला है जिप्सम, यानी जिप्सम का जिप्सम तुल्यांक मान 1 के आधार पे 1 ही होगा। यानी 1 किलो जिप्सम से जो मिट्टी सुधारी जाती है तो उसकी जगह जिप्सम, यानी जिप्सम की जगह जिप्सम डालोगे तो 1 ही है। तो जिप्सम का जिप्सम तुल्यांक हमेशा ही 1 होता है। लेकिन अगर आप जिप्सम आपके पास नहीं है लेकिन जिप्सम डालते तो 1 किलो की जरूरत पड़ती, लेकिन अब आप जिप्सम की जगह डाल रहे हैं सल्फर, तो सल्फर कितना डालना पड़ेगा? सल्फर आपको 0.19 किलो ही डालना पड़ेगा, जिप्सम से कम डालना पड़ता है।
तो जिप्सम 1 किलो डालना पड़ रहा था, उसकी जगह सल्फर कितना डालना पड़ रहा है, 0.19 किलो डालना पड़ रहा है। और बिल्कुल ठीक बात है, यह भी सही है, सल्फर का जिप्सम तुल्यांक 0.19 होता है। ये एक से तुलना की गई है, अगर 100 से तुलना करते तो 100 किलो जहां जिप्सम डालना पड़ता है वहां सल्फर कितना डालना पड़ता, सिर्फ 19 किलो। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड यानी गंधक का अम्ल H2SO4। अगर 1 किलो जिप्सम डालना पड़ रहा है तो सल्फ्यूरिक अम्ल 0.57 किलो डालना पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। यानी अगर जिप्सम 100 किलो डालना होता तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमें सिर्फ 57 किलो ही डालना पड़ता। कितना डालना पड़ता, सिर्फ 57 किलो। अब बात आती है आयरन पाइराइट, जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? आयरन सल्फाइड बोलते हैं। आयरन पायराइटिस जो है, जहां पर 1 किलो जिप्सम डलता वहां पे आयरन पायराइटिस सिर्फ 0.63 किलो डलता। कितना? 0.63 किलो डलता, यानी जिप्सम 100 डलता तो आयरन पायराइटिस कितना डलता, 63 किलो ही डलता। कितना? 63 किलो। तो गलत कथन तो कौन सा हुआ? चौथा है वो आपका गलत कथन हुआ, जिसने चौथा आंसर दिया है वो गलत कथन है। आपको बता दें, एक होता है आयरन सल्फेट। क्या होता है भाई? आयरन सल्फेट होता है। आयरन सल्फेट का जो जिप्सम तुल्यांक होता है वो 1.67 होता है, यानी जहां जिप्सम 100 किलो डालना पड़ता वहां पे हमें आयरन सल्फेट कितना डालना पड़ता, 167 किलो डालना पड़ता। बस यही इतने ही है जिनका जिप्सम तुल्यांक पूछा जाता है। और ये सब क्या है? सारीय मृदाओं के सुधारक है, सारीय मर्दाओं के सुधारक है। इजी अवेलेबल, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पड़ता है जिप्सम। इसलिए आप बोलते हैं कि सारीय मर्दाओं के सुधारक में हम कौन सा काम में लेते हैं भाई? जिप्सम काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं? जिप्सम। इनको काम में नहीं लेते हैं, ये महंगे पड़ते हैं, इजी अवेलेबल नहीं है, और इनको उपयोग करते समय कई तरह के अपने को ध्यान भी रखने पड़ते हैं। तो जिप्सम है वो द बेस्ट है, जिप्सम है वो क्या है? द बेस्ट है। क्लियर है भाई? बताओ इसमें कोई दिक्कत जो अभी बताया है? जिप्सम तुल्यांक कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, सिंपल है। जिप्सम तुल्यांक का मतलब होता है सारीय मर्दाओं के सुधारक में जिप्सम की तुलना में दूसरा सुधारक कितना डालना पड़ेगा, उसे ही क्या कहा जाता है? जिप्सम तुल्यांक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ये याद रह जाएगा ना सबको, नहीं याद रहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा ये। अगला क्वेश्चन है लवणीय सारीय मर्दाओं को कहते हैं, लवणीय सारीय मृदाओं को कहते हैं। तीन तरह की मिट्टी है, लवणीय बोले तो सेलाइन, दूसरी है सारीय, सारीय बोले तो एल्केलाइन, और तीसरी होती है लवणीय सारीय। तीसरी कौन सी होती है भाई? लवणीय सारीय। देखो जो लवणीय मृदाएं हैं इनके अंदर घुलनशील, सारीय मृदाओं के अंदर विनम्यशील सोडियम, और लवणीय सारीय में क्या होता है? घुलनशील लवण भी है और विनम्यशील सोडियम भी है, दोनों ही प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? लवणीय सारीय बोल दिया। लवणीय मिट्टी की पहचान है, इसका रंग होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। इसको हम बोल देते हैं लूणी। क्या बोल देते हैं? लूणी। या फिर हम क्या बोल देते हैं इसको? रेह। या क्या बोल देते हैं इसको? रहली। क्या बोल दिया जाता है? रहली। या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है? खारी नामों से भी इसको जाना जाता है। वहीं पे सारीय मर्दा है, इसको क्या बोला जाता है? इसको संस्कृत भाषा का एक शब्द है उत्सर। क्या बोला जाता है? आपसे पूछ ले उत्सर कौन सी भाषा का है? संस्कृत। उत्सर भी बोला जाता है। उसके अलावा सारीय मर्दाएं रंग देती है कैसा? काला। और क्या बोलता है? बोलते हैं इसको काली उत्सर भी बोलते हैं। तो उत्सर शब्द बहुत कॉमन हो गया, इसलिए उत्सर बोलना बंद कर दिया, हमने बोला काली उत्सर, और इस हिसाब से हमने इसको बोल दिया सफेद उत्सर। क्या बोल दिया? सफेद उत्सर। वास्तव में उत्सर शब्द सारीय के लिए आया था, लेकिन अब हम सारीय मिट्टी को काली उत्सर बोलते हैं, लवणीय को क्या बोलते हैं? सफेद उत्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भी? सफेद उत्सर कहा जाता है। बाकी उत्सर शब्द आया संस्कृत भाषा से, किसके लिए था? सारीय मर्दाओं के लिए। अब हम बात करें लवणीय प्लस सारीय दोनों को क्या बोलेंगे? एक हम बोल सकते हैं इसको रेह युक्त उत्सर, यानी रेह कौन सी? लवणीय, और युक्त उत्सर का मतलब सारीय। तो रेह युक्त उत्सर बोल सकते हैं, या फिर रहली बोले तो लवणीय और उत्सर बोले तो सारीय, तो हम इसको रहली उत्सर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? इसको रहली उत्सर भी कह सकते हैं। अब लवणीय सारीय मर्दा के लिए पूछा गया था, तो रहली भूमि का तो मतलब सिर्फ लवणीय होगा, काली उत्सर का मतलब सिर्फ सारीय होगा, सफेद उत्सर का मतलब सिर्फ लवणीय होगा, रहली उत्सर का मतलब लवणीय सारीय यानी सेलाइन एल्केलाइन सोइल होगा। राइट आंसर क्या है? डी ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा? डी। ये सी वालों ने हाथ उठा रखा है, वो डी पे आ जाइए।
किस पे आ जाओगे भाई? डी पे आ जाओगे, लवणीय सारीय पूछा गया है। कौन सा पूछा गया है? लवणीय सारीय पूछा गया है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत भाई? अब तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए, जो गलत आंसर दिया वो सही कर ले अपना। अब तुम एक चीज बता दो, सेलाइन एल्केलाइन सोइल लवणीय सारीय जो मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है? लवणीय सारीय जो मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है? लवणीय सारीय जो मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है? फटाफट बताओ भी। गांव का भूत गई भैंस पानी में। कोई नहीं, निकल जाएगी बेटा, अपने निकालने के लिए बैठे हैं ना, भैंस ही निकाल रहे हैं अपने कब से। चलिए, व्हाइट होगा, व्हाइट तो भाई लवणीय मिट्टी का होता है, काला रंग सारीय मिट्टी का होता है। ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा शाबाश। व्हाइट प्लस ब्लैक मिलता है तब रंग आ जाता है ग्रे। कौन सा आ जाता है? ग्रे, बोले तो धूसर। लवणीय सारीय मिट्टी कैसी होती है? धूसर। कैसी होती है? धूसर, या फिर हम इसको भूरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? भूरी भी बोल देते हैं। तो हम इसको ग्रे उसर भी बोलते हैं, यानी भूरी उसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? भूरी उसर भी बोलते हैं। किसको? लवणीय सारीय को। क्या बोलेंगे? भूरी उसर बोलेंगे, भूरी उसर बोलेंगे। क्लियर है भाई? भूरी उसर बोलेंगे, भूरी उसर कहा जाता है। चले नेक्स्ट, आगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे अपने। ये क्वेश्चन जिसने बता दिया उसका बेड़ा पार है, मतलब वो दिमाग लगाता है। कौन सी प्रकार की मृदाओं को भौतिक व यांत्रिक विधियों से सुधारा जाता है? कौन सी प्रॉब्लमेटिक सॉइल है जिसको हम फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से सुधार सकते हैं? रहली यानी लवणीय, काली उसर बोले तो सारीय, अम्लीय मृदा यानी एसिडिक सॉइल, रहली उसर का मतलब क्या हो गया? लवणीय सारीय। इनमें से कौन सी मिट्टी है, कौन सी समस्याग्रस्त मृदा है जिसको हम फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से सुधार सकते हैं? फटाफट बताओ, कौन सी मिट्टी है जिसको हम फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से सुधार सकते हैं? अम्लीय मृदाएं अगर फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से सुधरती तो हम फिर उसमें चूना क्यों डालते भाइयों? तो अम्लीय मृदा हटा दो। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए सुधारक डालना पड़ता है, लाइम डालना पड़ता है, चूना डालना पड़ता है, तो अम्लीय मृदा तो सही हो ही नहीं सकता है। एग्री बाय एचल राज, है ना? बताओ भी, अम्लीय मृदाएं कैसे सुधार सकते हो? पॉसिबल नहीं है सुधारना इसको। तो अम्लीय मृदाएं तो काट दो। इसको सुधारने के लिए बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, डोलोमाइट, कैल्साइट, बेसिक स्लेग, ये सुधारक डालते हो। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए क्या डालते हो? चुन्ना, बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ, स्लेग, हाइड्रेट, कैल्साइट जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट या चुन्ना पत्थर बोलते हैं, डोलोमाइट जिसको कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं, और उसके अलावा आप बेसिक स्लेग भी डालते हैं यानी सारीय धातु मल। तो अम्लीय मृदाओं को भौतिक और यांत्रिक विधियों से नहीं सुधार सकते। नेक्स्ट बात आती है, कई लिख रहे हैं बी, काली उसर। काली उसर का मतलब होता है सारीय, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सारीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? जिप्सम, क्योंकि ये जो सोडियम कार्बोनेट भाई साहब है ये बहुत जिद्दी है, ये मिट्टी के कण को नहीं छोड़ने वाले। जब तक आप इसमें सुधारक नहीं डालोगे, और कौन सा सुधारक नहीं डालोगे? जिप्सम नहीं डालोगे। कौन सा? जिप्सम। तो काली उसर भी बिना सुधारक नहीं सुधार सकते हैं। अब बचे ऑप्शन आपके पास दो, अब बचे दो, अब भी अगर गलत दे दिया। शिवम, शिवम भाई क्या बात है, 8 बज के कुछ लगा ली टाइम से। देखो इसमें कौन सी है? रैली उसर। रैली उसर को हमने क्या बोला? लवणीय सारीय। क्या बोला भाई हमने इसको? लवणीय सारीय बोला। तो सारीय तो बिना सुधारक सुधरती ही नहीं है, तो ये आपने उत्तर कैसे दे दिया? डी ने दिया है, वो तो फिर दिमाग नहीं लगाया, दो में से ही गलत कर दिया। अब इससे खराब किस्मत क्या होगी? अब राइट आंसर क्या हुआ? रहली भूमि। रहली बोले तो कौन सी? लवणीय। रहली बोले तो कौन सी भाई? लवणीय। समझ गए आप? रहली बोले तो कौन सी? लवणीय। अब मैं बताता हूं लवणीय मृदा को आप कैसे सुधार सकते हैं। हमने क्या बोला? लवणीय मृदाओं में घुलनशील लवण पाए जाते हैं। कौन से लवण पाए जाते हैं? घुलनशील। अब इस मिट्टी में साल्ट आ गए भाई। क्या आ गया? साल्ट आ गया, लवण आ गए। पानी भर के छोड़ दो, पानी के साथ घुलकर सारे के सारे लवण नीचे चले जाएंगे, सारे के सारे लवण नीचे चले जाएंगे। ये फिजिकल मेथड है, ये भौतिक विधि है। कौन सी विधि है भी? ये भौतिक विधि। क्लियर? दूसरा, लवण आ गए, पानी का तेज बहाव निकालो अपने खेत से, लवण बहकर खेत से बाहर चले गए, ये भी भौतिक विधि है। ये भी कौन सी है? भौतिक विधि। क्लियर यहां पे? तीसरा, अपने बात करें,
ये ऊपर लवण की परत आ चुकी है, क्रावा लेबलर जानते हो ना, उससे खुरचो ऊपर ऊपर से, ऊपर ऊपर से खेत से खुरच के बाहर निकाल दो, खेत से खुरच के बाहर निकाल दो। आपने लेवलर यूज किया है भाई, कोई इंप्लीमेंट यूज किया, ये यांत्रिक विधि है। कौन सी विधि है? यांत्रिक, यानी आप लीच डाउन कर सकते हो, वास आउट कर सकते हो और स्क्रेच कर सकते हो। तो लीच डाउन निक्षालन को हमने भौतिक विधि बोला, वास आउट या रन आउट आपने कर दिया, ये भी फिजिकल मेथड है, भौतिक विधि है। और क्रावे से, लेवलर से आपने लवण को खुर्च के खेत से बाहर निकाल दिया, ये यांत्रिक विधि है। तो लवणीय मृदा एक ऐसी मृदा है, लवणीय मृदा एक ऐसी मृदा है जिसको भौतिक यांत्रिक विधियों से सुधारा जा सकता है। किसी तरह के सुधारक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी तरह के सुधारक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। और जब मिट्टी पे सफेद मतलब गुद्दीदार अगर साल्ट दिखते हैं तो वो लवणीय है, काला जमा हुआ दिखता है तो वो सारीय है, और धूसर दिखता है तो वो फिर कौन सा है? लवणीय सारीय। लवणीय का जो पीएच होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, 7 से 8.5 होता है, और जो सारीय है उसका पीएच जो होता है वो 8.5 से ज्यादा होता है। लवणीय प्लस सारीय दोनों की बात की जाए तो पीएच पक्का पक्का कितना होता है? 8.5 होता है। पीएच कितना होता है? 8.5 होता है। अभी सभी इंटेलिजेंट बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट तक अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो लवणीय मृदाएं हैं उनकी विद्युत चालकता सारीय मृदाओं की तुलना से ज्यादा होगी या कम होगी? जो सेलाइन सोयल है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्केलाइन सोयल से ज्यादा होगी या कम होगी? फटाफट बताओ भी, बताइए। जो सेलाइन सोयल है उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एल्केलाइन सोयल के कंपैरिजन में कम होगी या ज्यादा होगी? लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता सारीय मृदाओं की तुलना से कम या ज्यादा? विक्रांत, कम। बाकी सब बोल रहे हैं ज्यादा, मोर है। बन्ना सोनू तोमर, वाह क्या बात है बन्ना, है कम। एक चीज बताओ, तरल में करंट तेजी से दौड़ेगा या ठोस में करंट तेजी से दौड़ेगा? छोड़ो पिछला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बताओ। करंट जो है वो तरल में तेजी से दौड़ेगा या ठोस में तेजी से दौड़ेगा? यानी लिक्विड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या सॉलिड में ज्यादा होगी? तरल के अंदर विद्युत चालकता ज्यादा होगी या ठोस में ज्यादा होगी? लिक्विड में ज्यादा होगी। लवण घुलनशील कौन से है? लवणीय मृदाओं के। तो लिक्विडिटी ज्यादा किसमें है? लवणीय मृदाओं में। विद्युत चालकता सबसे ज्यादा लवणीय मृदाओं की होती है। आप पढ़ते हैं कि 4 डेसी साइमेंट से या 4 महोज से, डेसी साइमेंट और महोज दोनों भी आ जाए आपको उलझन में नहीं पड़ना। अगले सेशन में बताऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लवणीय मृदाओं की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद्युत चालकता होती है वो 4 डेसी सीमेंस या 4 महोज से ज्यादा होती है। वहीं पे सारीय मृदाओं में लिक्विडिटी कम होती है, सॉलिडनेस ज्यादा होती है, ठोसपन ज्यादा होता है, तो उनकी विद्युत चालकता क्या होती है? 4 से कम होती है। तो सारीय की कम, लवणीय की ज्यादा। जिन्होंने मोर ज्यादा आंसर लिखा वो बिल्कुल सही लिखा था, ठीक है। और लवणीय सारीय दोनों की बात करें तो इनकी भी विद्युत चालकता कितने से ज्यादा होती है? 4 से ज्यादा होती है। कितने से ज्यादा होती है भाई? 4 से ज्यादा होती है। हाँ भी साक्षी, जीत गए आप, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अपने, बस आज इतने ही क्वेश्चन है ना, बाकी और शानदार। आज तो थोड़ा सा अपना 5-7 मिनट तो बोर्ड चलाने में ही निकल गया था। गुरुजी मेरा सुपरवाइजर में सिलेक्शन नहीं होने पर आज कक्षा लगाऊं, अगली बार हो जाएगा है ना। असफलता कमियों को पहचानने का जरिया है और कुछ नहीं है। टेरट में राघवीर सिंह क्या लिखा है पता नहीं, इतना जल्दी? हाँ आज इतना जल्दी, कल और क्वेश्चन ज्यादा लेके आए। क्वेश्चन पसंद आया नहीं पसंद आया आप लोगों को? तरल में, अच्छा तरल में है, ठीक है समझ गया, थैंक यू भाई। गांव का भूत आपका सही, बिल्कुल सही है। क्लास 8 बजे चालू होता है और 9 बजे के लमसम खत्म हो जाता है।
आज 8 PM पे स्टार्ट हुआ था, लेकिन शुरू के 5-7 मिनट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना। मजा आता है क्लास लेके, बहुत बढ़िया बात भाई, डेली 8 बजे ही क्लास चलती है। थैंक यू भाई, एग्री बाय एचल राज। गौतम का भी करेक्ट था, बन्ना का भी करेक्ट था, अंकिश बहुत अच्छे, सुपर गांव का भूत है। ढाका से बोल रहा हूं। पीलीभीत गौतम, चलिए कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो फिर खाना इंतजार कर रहा है। डब्ल्यू के लिए कौन सी बुक पढ़ें, हिंदी या इंग्लिश मीडियम? चंद्रपाल, थैंक यू भाई। एमएससी एंट्रेंस क्लास के लिए भी इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे वीडियो बीच बीच में डालते रहते हैं, हिंदी वालों को तो अब मौका दिया है ना, हिंदी में तो अब आने लगे हैं। भानगढ़, भूतों का घर भानगढ़। ओके भाई, गुड नाइट प्रेम। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक एग्रीकल्चर सक्सेस है ना, अपनी बुक पढ़ो, उसमें से पिछली बार आपके 107 क्वेश्चन आए हैं सीधे सीधे। उत्सर सबसे ज्यादा झाई जी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्सर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भजन लाल वर्मा, 2 नंबर से रहे, कोई बात नहीं, इस बार अपने 20 आगे निकालेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए एग्रीकल्चर सक्सेस, रेस्पायरेशन प्लांट की हर सेल के लिए जरूरी है। बैड बॉय, आपकी बुक बेस्ट है सर सुपरवाइजर के लिए, थैंक यू भाई। कौन सी बुक सर, एग्रीकल्चर सक्सेस हिंदी या इंग्लिश? बिल्कुल, यूपी में सबसे ज्यादा उत्सर भूमि है। बुक अमेजोन से भी मिल जाएगा, हमारे यहां से भी मिल जाएगा, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया होता है उस पर कॉन्टेक्ट कर लिया करो, अभी मैं व्हाट्सएप नंबर डाल रहा हूं। सारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, अमलीय सबसे ज्यादा केरल में है, अमलीय मर्दाएं सबसे ज्यादा केरल में है। अभिषेक राठौड़, क्या क्वेश्चन था आपका बताओ भाई, दोबारा लिखो, वो तो आपका चला गया होगा। हम श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। एमएससी एंट्रेंस का सिर्फ इंग्लिश में आता है पेपर, नया बैच चल रहा है बिल्कुल 12th के लिए। देखो हम तो हमारी बुक बढ़िया बताएंगे, हमने उसमें बहुत मेहनत की है। बाकी बुक के लिए मैं परसों, आप कल स्पेशली एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा बुक्स बुक्स के लिए, तो उसमें आपको सारा क्लियर कर दूंगा। अमलीय मर्दा सबसे ज्यादा केरल में, सारीय मर्दा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। शुगर केन स्टेम से रेस्पायरेशन करता है या नहीं करता है? जहां तक मुझे नॉलेज है करता होगा, लेकिन फिर भी प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन ममता मैडम जब क्लास ले उनसे पूछना, वो बेटर बता पाएंगे। एज का नहीं पता, अभी यूपी कैटेट की एज का आइडिया नहीं है मुझे। एंटोमोलॉजी के भी क्वेश्चन आएंगे, पहले भी आए हुए हैं भाई। टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर न्यू बैच चल रहा है ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला था, उस पे आप कांटेक्ट करो, उस पे आपको डिटेल बता देंगे। नंबर गलत डल गया, दोबारा डालता हूँ, 9460488। अब डाला है, उस पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। फैक्टर इन्फ्लुएंस न्यूट्रेंट यूज एफिशिएंसी, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उस पे अपने एक पूरा वीडियो ही डिस्कस करेंगे। यूपी कैटेट की मुझे एज नहीं पता अभी। देवेंद्र, सुरतगढ़ कॉलेज से, चलिए
चलिए आज के लिए बस इतना ही, शुभ रात्रि, थैंक यू।